हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन लॉलीपॉप, चिकन स्टिक भी बोलते हैं। घर के सामानों से मैं बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी। तो सबसे पहले मैंने 200 ग्राम चिकन ले ली है, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, ये है नमक। नमक आप अपना स्वाद अनुसार डालिए। और डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च आप जितना तीखा पसंद करते हैं उतना ही डालें। और हरा धनिया, हरा धनिया मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाला है इसमें। आप सारे ग्राइंड करने के बाद, बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। अभी इसमें मैं डालूँगी ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर मैं 3-4 स्लाइस ब्रेड ले ली, आप इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ब्रेड क्रम, इंस्टेंट ब्रेड क्रम रेडी हो गया। अभी ब्रेड क्रम चिकन में डालकर बहुत अच्छे से इसे मसल कर मिक्स कर लेना है, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। आपके पास अगर बाहर की ब्रेड क्रम्स हो तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी अगर घर में इस तरह से आप ब्रेड क्रम्स बना के ये चिकन लॉलीपॉप बनाओगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इसे लॉलीपॉप जैसे बनाते हैं, आइसक्रीम की तरह बनाना है। एक मैंने आइसक्रीम की ही स्टिक यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अब बिल्कुल आइसक्रीम की तरह इसे बना लेना है। आप देख ही सकते हो मैं किस तरह से इसके शेप दे रही हूँ। देखिए बन गया। इसी तरह मुझे सभी बना लेना है। सारे में बना रही है। अब इस पर कोटिंग करना है। तो ये थोड़ा सा बच गया है, उसे मैं कोई दूसरा चीज़ में बना लूँगी। अब यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून मैदा यूज़ की है, और उसमें थोड़ा सा नमक मैंने डाला है, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक बैटर मुझे बना लेना है। बैटर बिल्कुल ज़्यादा पतला ना करे, ज़्यादा पतला भी ना करें और ज़्यादा थिक भी ना करें। अब देखिए ये भी इंस्टेंट ब्रेड क्रम्स से, मैं जिस तरह से ब्रेड क्रम तब बना रही थी बिल्कुल वही ब्रेड क्रम्स से। तो अब इसे क्या करना है, अब देखिए इस लॉलीपॉप को पहले मैदे की घोल में डालकर फिर ब्रेड क्रम्स से इसे कोटिंग कर लेना है। अगर आप 2 बार इसी तरह कोटिंग करोगे तो ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनता है। तो मैंने सारे इसी तरह से लॉलीपॉप को 2 बारी कोटिंग की है। तो आप भी जब बनाओ एक बार मत कोटिंग क्या करो, 2 बार करो तो बहुत ही क्रिस्पी बना गया। इस तरह से मैं सारे लॉलीपॉप को कोटिंग की है। 2 बार करके कोटिंग करने के बाद मैंने अब देखिए कितना अच्छा बना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, डीप फ्रिज में 5 मिनट्स के लिए, सारे जब बन जाए 5 मिनट्स के लिए डीप फ्रिज में रख दीजिएगा, फ्रीज़र में रखिए। फिर उसके बाद आप उसे निकाल के आप इसे फ्राई कीजिए, और बहुत ज़्यादा तेल को गर्म मत कीजिए, मीडियम पर रखिए फ्लेम को। फिर उसके बाद इसे फ्राई कर लेना है। जब एक तरफ फ्राई हो जाए गोल्डन ब्राउन, फिर उसे पलट कर दूसरी साइड भी आपको इसी तरह से फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन होने तक आपको वेट करना है। बहुत जल्दबाजी मत कीजिए। और ये बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही क्रिस्पी। आप एक बार जस्ट बना के देखिए, फिर आप बार बार बना के खाओगे। बहुत ही क्रिस्पी है ये, और इवनिंग स्नैक्स तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों भी बहुत ही पसंद करेंगे ये। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।